मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस डिग्री को करना चाहिए आपको, इसकी सैलरी क्या होगी, कौन कौन से प्रोफेशंस एमपीएच की डिग्री को कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस इसको नहीं कर सकते और क्या बेनिफिट होगा आपको इस डिग्री का फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रेडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। रेडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज वही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन एंड करियर काउंसलिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिग्री की जो कि इंटरनेशनली इतनी रिकग्नाइज है और इतनी फेमस है आजकल, उतनी पाकिस्तान में नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो शायद अभी उसकी किसी को समझ भी नहीं आ रही कि ये डिग्री आखिर है क्या है और हमें डिग्री क्यों करनी चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स को तो लगता है कि ये इस जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एक मैनेजमेंट की डिग्री हम क्यों करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डिग्री एंड द डिग्री इज़ MPH विच स्टैंड्स फॉर मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों इस डिग्री को करना चाहिए आपको, इसकी सैलरी क्या होगी और कौन कौन से प्रोफेशंस MPH की डिग्री को कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस इसको नहीं कर सकते और क्या बेनिफिट होगा आपको इस डिग्री का फ्यूचर में, UK में, USA में, किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो क्या आपको इसका बेनिफिट होगा। और साथ साथ देखेंगे कि किस किस फील्ड में आप MPH को कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH है क्या चीज़ है। बेसिकली इट इज़ अ ग्रेजुएट लेवल डिग्री दैट इज़ डिज़ाइन टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़। इसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि वो कम्युनिटी की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। अब जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर वो तमाम प्रोफेशंस, वो तमाम डिग्रीज फॉल करेंगी जिसका लिंक किसी ना किसी तरह से हेल्थ से बनता है, ग्लोबल हेल्थ से बनता है या मैनकाइंड से बनता है। फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट, आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, वो तमाम प्रोफेशन जो किसी ना किसी तरह से आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो डाइटिशनिस्ट हैं, जो डाइट लिख के देते हैं, वो भी इसमें फॉल करेंगे। वो तमाम के तमाम प्रोफेशंस और वो तमाम के तमाम डिग्री होल्डर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्थ से लिंक हैं या उनकी जो डिग्री है वो हेल्थ से लिंक है, दे कैन अप्लाई फॉर द MPH एंड दे विल सीक ट्रेनिंग टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या आती है मास्टर पब्लिक हेल्थ के अंदर। अक्सर बच्चे कहते हैं इवन दे आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द हेल्थ या डिग्रीज दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, वो कहते हैं कि सर ये हमारी जो है ना वो डिग्री से लिंक नहीं है, हमने अपनी फील्ड में रहना है। फॉर इंस्टेंस अगर डॉक्टर भी आता है तो हम जब उसे कभी MPH रिकमेंड करते हैं या MPH को वो सुनता है कहीं से, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं दुनिया में, UK में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, जो आपको पाकिस्तान की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर करते भी हैं तो यू हैव टू पास अ सर्टन स्टेप्स और उसके बाद जाके आपको एडमिशन मिलता है। फॉर इंस्टेंस ऑप्टोमेट्री की बात कर लें हम, साइकोलॉजी की बात कर लें हम और फिजियोथेरेपी की बात कर लें हम, ये ऐसे कोर्सेज हैं या तो इसमें आपको एडमिशन नहीं मिलता ऑन द बेसिस ऑफ योर पाकिस्तानी डिग्री, या फिर आपको अगर एडमिशन मिलता है तो आपको काफ़ी उसमें चेक्स पास करने पड़ते हैं। कभी कभार आपको इक्विवेलेंसी लेनी पड़ जाती है, कभी कभार आपको DBS चेक जो है ना वो लेना पड़ जाता है। तो देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं इफ़ यू आर लुकिंग टू सीक एडमिशन इन एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब मैंने पहले बताया कि कौन कौन से जो हैं स्टूडेंट्स वो इसमें जा सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ के वर्कर्स हैं, ग्लोबल हेल्थ है, हेल्थ सर्विसेज है, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, डिज़ास्टर मैनेजर्स हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स हैं, इन्फॉर्मेटिक्स हैं,
ये वो तमाम के तमाम प्रोफेशंस हैं जो एमपीएच को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आगे दो तरह से डिग्री ऑफर हो रही है। द फर्स्ट वन इज़ एमपीएच, जो कि सिंपल आपका मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ है, एंड बल्कि तीन तरह से हो रही है, एमएससी पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल हेल्थ, और एक हो रही है एम रिसर्च के नाम से, MRES, दैट इज़ अ मास्टर्स इन रिसर्च। अब द फर्स्ट वन इज़ मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट, और आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता है, डिफरेंट आपको सेमिनार्स करने पड़ते हैं, डिफरेंट आपको अवेयरनेस कम्पेन्स करनी पड़ती हैं। एमएससी के अंदर आपको ज़्यादा जो काम है वो करना पड़ता है रिसर्च के ऊपर, आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपने उनको स्टडी करना है, सैंपल लेने हैं, पॉपुलेशन को आपने डिस्कस करना है, और जो रिसर्च है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन रिसर्च, उसमें आपका कोर्स वर्क का काम ही कोई नहीं है। उसमें आप यानी कि अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस आप डॉक्टर हैं और आप मास्टर्स इन पब्लिक रिसर्च करते हैं, तो आपकी जितनी भी स्टडी होगी वो सारी की सारी रिसर्च बेस्ड होगी। आप फिज़िकली कोई सेमिनार में नहीं जाएंगे, कोई एक्सपो नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो कि अक्सर UNO, UNESCO और WHO, डिफरेंट जो वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाती हैं ऑन द बेस ऑफ द मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये बात अपने जहन से पहले आप ख़त्म करें कि पब्लिक हेल्थ इज़ योर फील्ड और नॉट। आपका कोई भी प्रोफेशन है दैट इज़ लिंक्ड टू द हेल्थ, MPH इज़ फॉर यू। ऑब्वियसली द बिजनेस स्टूडेंट्स, द IT स्पेशलिस्ट और एनी अदर डिग्री दैट नॉट फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हेल्थ साइंसेज, वो इसमें फॉल नहीं करेगा। और ये कभी ना सोचें कि ये आपकी फील्ड नहीं है, दिस इज़ इन एक्चुअल योर फील्ड। डॉक्टर जो है ना, उसका जो इंट्रैक्शन होता है वो 1-to-1 होता है किसी पेशेंट के साथ, नर्सिस का भी 1-to-1 होता है किसी भी पेशेंट के साथ। जो ग्लोबल हेल्थ है, जो ग्लोबल हेल्थ होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ पर्सनल होते हैं, उनका जो कांटेक्ट होता है वो कम्युनिटी के साथ होता है, पब्लिक एट लार्ज के साथ होता है। उन्होंने पॉलिसी बनानी है, उन्होंने मैनेजेरियल लेवल पर, अच्छा यहाँ पर लोगों को लगता है कि सिर्फ MPH करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल में एक मैनेजरियल लेवल का काम कर सकते हैं, दैट इज़ अ मिथ। आप MPH करने के बाद यू कैन सर्व इन कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ में आप जा सकते हैं, जिसके अंदर आप जाके डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जाके और डिफरेंट कंडीशंस में जाके लोगों को अवेयरनेस देते हैं। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली इसका इतना कह लें कि अभी ट्रेंड नहीं आया, बट जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत, मैं समझता हूँ कि आफ्टर कोविड ये बहुत एक फेमस डिग्री है, और इसका अभी आने वाले 4-5 सालों में काफ़ी स्कोप होगा, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि हमारे काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेके और डिफरेंट इलनेस को लेके, डिफरेंट आप कह लें कि ऐसे डिजीज़ हैं जो अभी तक काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं उसके लिए। तो कम्युनिटी हेल्थ में आप जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन में आप जा सकते हैं, जहाँ पर जाके आपने डिफरेंट लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी होती है, इफेक्टिव प्रोग्राम्स रन करने होते हैं, और एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उसमें आप टारगेट करते हैं, और आप पब्लिक हेल्थ एजुकेटर या हेल्थ टीचर के नाम से आपको जॉब मिल सकती है। और ये चीज़ मैं आपको बढ़िया वाजे कर दूँ कि UNO की, WHO की, UNESCO की और SAARC की, इस तरह की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी आपको अनलिमिटेड जॉब्स मिलती हैं फॉर द MPH। पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसी जॉब्स हैं जो UNO के अंडर जो है ना वो आपको MPH की डिग्री रिक्वायर्ड करती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको 8-10 साल हो गए हैं UNESCO के साथ, UNO के साथ, बट दे आर नाउ लुकिंग फॉर अ डिग्री इन MPH। वो कहते हैं कि जिसमें आगे स्कोप काफ़ी है। इसी तरह आप एमरजेंसी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको टास्क मिलता है कि आपने लोगों को जो है ना वो रिलीफ प्रोवाइड करना है। डिज़ास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, एमरजेंसी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया है, कहीं पर कोई आउटब्रेक आ गया है, कहीं पर कोई ह्यूरिकेन आ गया है, तो वहाँ पर जाके आपने लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना होता है कि भाई इस अब आफत से हमने निकलना कैसे। इसी तरह एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं, और इसमें आपको जो टाइटल मिलता है क्लिनिकल ट्रायल रिसर्चर मिलता है, फील्ड एपिडेमोलॉजिस्ट मिलता है, वेटनरी एपिडेमोलॉजिस्ट मिलता है, एपिडेमोलॉजी में एपिडेमोलॉजी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो ये सर्च करते हैं कि अगर कोई वायरस, जैसे अभी कोविड आया था, अगर कोई वायरस आउटब्रेक हो गया उसके पैटर्न्स क्या हैं, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है,
और इसका क्या रिस्क है लोगों की जान के ऊपर, कि आगे स्प्रेड करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे काम जो है ना एक एपिडेमोलॉजिस्ट करता है, और अगर आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करते हैं विद द एपिडेमोलॉजी तो आपका काफ़ी स्कोप है, जो मैंने गिवन फील्ड बताई है आपको। ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी जो है ना मलेरिया, HIV, कोविड से सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो उनके लिए जो है ना वो जो कम्युनिटी डेवलपर्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल एड वर्कर्स होते हैं और इन्फेक्शस डिजीज़ एनालिस्ट होते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं, ग्लोबल हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं, फील्ड कंसल्टेंट होते हैं, जो जाके उनकी ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये भी वही लोग होते हैं जो MPH करके आते हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने किसी एक एरिया को स्मोक फ्री करना है, आपने कोई एक पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट करवानी है, तो आप पब्लिक पॉलिसी मेकर में जा सकते हैं। ये तो खैर पाकिस्तान में इसकी बहुत डिमांड है, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर इस पर काफ़ी काम हो रहा है कि हमने अपने जो रिमोट एरियाज़ हैं और जो हमारे की एरियाज़ हैं उनको कैसे बचाना है। किसी एरिया को अगर हमने स्मोक फ्री करना है तो उसको हम कैसे स्मोक फ्री कर सकते हैं, किसी एरिया को अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसको जो है ना हम कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस की। मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, और आपका जो जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो इंट्रैक्शन है वो सिर्फ एक डॉक्टर के एक पेशेंट के साथ है, नर्स का एक पेशेंट के साथ है। लेकिन जब आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिस यानी कि बीइंग अ डिग्री होल्डर ऑफ MPH जब आप काम करते हैं तो आपको पब्लिक एट लार्ज के साथ जो है ना काम करना पड़ता है, तो आप पब्लिक हेल्थ डॉक्टर बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको डिफरेंट स्क्रीनिंग कंपेन्स करवानी पड़ती हैं, आपको इम्यूनाइजेशन की कंपेन्स करनी पड़ती हैं, कोई वैक्सीन की कंपेन करनी पड़ेगी, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के काम हैं जिसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व होगी वहाँ पर आपको इस डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इसी तरह, इसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी इंजीनियर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्टर्स होते हैं। अब होता क्या है कि ऐसा कोई भी काम जो हमारे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे करने की वजह से काम खराब हो रहा है, एयर पोल्यूशन है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं, इसी तरह ऑक्यूपेशनल रिस्क है, इसको भी सारे जो है ना इसकी जो मैनेजमेंट है वो जो MPH होल्डर्स हैं और इसी इसी को जो है ना वो देखते हैं। बिहेवियरल साइंसेज है। फॉर इंस्टेंस अगर जैसे हमारे यहाँ पर एक हम बात करते हैं, एक ख़ास एरिया है पाकिस्तान का या अमेरिका का, USA का, UK का, वहाँ पर एक ख़ास एरिया के अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पर मेंटल हेल्थ की जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाके जो बिहेवियरल साइंसेज के जो MPH की डिग्री होल्डर्स होते हैं उन एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को जाके एक्सप्लोर करते हैं विद अ टारगेटेड बजट, और उसको जाके जो है ना वो सॉर्ट आउट करते हैं, और वहाँ पर उनको ट्रेन करना है, उनको प्रोवाइड करनी इन्फॉर्मेशन के भाई वट यू हैव टू डू एंड वट यू डोंट हैव टू डू। तो इस तरह से इसका आगे चल के बात करते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, जो बायो स्टैटिस्टिक्स है इस पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मैनेजेरियल लेवल के ये होते हैं, बायो साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने ट्रायल रन करने होते हैं, डाटा इनको मिल जाता है, और इन्होंने देखना ये होता है कि एक ख़ास डिज़ीज़ का, एक ख़ास वायरस का आने वाली जो हमारी जनरेशन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। इनको सैम्पलिंग मिलती है, सैम्पलिंग से भाई ये ट्रायल करते हैं, ट्रायल से फिर ये अपना कंक्लूजन देते हैं कि भाई इस बीमारी का या इस वायरस का ये इम्पैक्ट आ सकता है, हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर ये इम्पैक्ट आ सकता है, और हम अगर हम ये कह लें कि स्टेप्स लेंगे तो ये हम इससे बच सकते हैं। तो ये वाला काम भी सारा जो है ना जो पब्लिक हेल्थ पर्सनल है वही करते हैं। तो मैंने आपको तकरीबन 10 से 12 ऐसे प्रोफेशंस और आप कह लेंगे ऑक्यूपेशन बताएं जिसमें आप आफ्टर योर MPH आप जा सकते हैं, और इसमें किसी किस्म की, इट इज़ अ क्रॉस ओवर कोर्स। क्रॉस ओवर से मुराद ये होता है कि आप हेल्थ के किसी भी बैकग्राउंड से हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, डाटिक्स हैं आप, डॉक्टर हैं आप, डेंटल डॉक्टर हैं, BDS हैं, किसी भी प्रोफेशन से आपका लिंक है, आप इस MPH को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये कभी ना सोचें कि इट इज़ नॉट माई डोमेन, इट इज़ योर डोमेन, चूँकि ना इसमें बिजनेस वाला आ सकता है, ना इसमें IT वाला आ सकता है, ना इसमें कोई मैथमेटिशियन आ सकता है, इसमें आना हेल्थ प्रोफेशनल्स ही है। और जिस तरह आगे स्टेप्स ली जा रही हैं गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्लानिंग ये है
कि हम बजाय के पहले हम ये देखें कि बंदा बीमार हो, बीमार होने के बाद हम उसे ठीक करें, क्यों ना हम ये स्टेप्स लें कि हम किसी को बीमार होने ही ना दें। तो जब आप किसी को बीमार होने ही नहीं देंगे तो वहाँ पर कौन लोग काम करेंगे? वहाँ पर यही जो एमपीएस डिग्री होल्डर्स हैं ये सारे वो काम करेंगे, कंपेन्स, अवेयरनेस, कैंपिंग, स्क्रीनिंग, और उनका डाटा कलेक्ट करना, उनको रिसर्च करना, ये सारा काम जो है ना एक एमपीएस डिग्री होल्डर का होता है। इसकी जो सैलरी है, अगर हम एवरेज सैलरी चेक करें तो दैट इज़ अराउंड 45,000 US डॉलर्स, 265,000 US डॉलर्स पर एनम, 45,000 डॉलर से लेके और तकरीबन 65,000 US डॉलर तक इसकी सैलरी जाती है पर एनम। दैट इज़ क्वाइट सफिशेंट अगर हम इसको कंपेयर करें अदर प्रोफेशंस के साथ। और फिर यहाँ पे अक्सर बच्चे कमेंट करेंगे इसमें ये स्कोप नहीं है, जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है, इट इज़ अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप समझते हैं कि आप एक इंथुजियास्टिक हैं और आप अपनी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसा कोई चांस नहीं कि आपको जॉब ना मिले। जॉब बेसिकली आपने सिक्योर करनी होती है, कोई जॉब ला के आपकी झोली में नहीं डालता कि भाई आप वेले बैठे हो, ये लो जॉब ले लो। आपने उस जॉब को सिक्योर करना होता है। कैसे करना है? अपने स्किल सेट से, अपनी कम्युनिकेशन से और अपनी काबिलियत से। दिस इज़ द मेयर ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट। अगर आपको ये हमारी, अच्छा अब बात करते हैं, सॉरी मैं अभी वीडियो एड नहीं करूँगा, इसको बात कर लेते हैं कि एमपीएच अवेलेबल कहाँ कहाँ पर है। एमपीएच आपको कनाडा में, यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, काफ़ी कंट्रीज़ में आपको एमपीएच जो डिग्री है वो मिल जाएगी। अलबत्त कनाडा में सीट्स बड़ी कम हैं, एक यूनिवर्सिटी में 5-6 सीट्स होती हैं। यूएसए में थोड़ा सा एक इशू है, प्रॉब्लम है, जब आप कन्वर्ट करते हैं अपनी उसको डिग्री को, सम यूनिवर्सिटीज़, बल्कि मोस्टली यूनिवर्सिटी दे रिक्वायर ईसीए, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट टू ऑफर यू अ प्लेस इन द एमपीएच। बट यस, देर आर मैनी ऑप्शन अवेलेबल ऑफ एमपीएच इन द यूएसए एज वेल, और सबसे ज़्यादा मार्केट भी इस टाइम यूएसए में ही है, और उसके बाद यूके में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफर कर रही हैं, और वहाँ पर भी UNO, WHO, UNS को अग्रेसिवली जो है ना रिक्रूट कर रही हैं, NHS इसको काफ़ी रिक्रूट कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है। स्वीडन के अंदर 2-3 बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उपसला है, लुंड यूनिवर्सिटी है, लिनॉस यूनिवर्सिटी है, वो भी इसको काफ़ी ऑफर करवा रही हैं, और मलेशिया के अंदर भी ये है अवेलेबल। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू ऑप्ट टू चूज़ फ्रॉम, जहाँ से आप जाके अपना एमपीएच कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।